हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा, बट यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो रही है एंड मॉर्निंग बहुत मॉर्निंग हो जाती है, जल्दी हो जाती है, 5 बजे हो जाती है। तो यहाँ पे अभी आई थिंक 6 बज रहे हैं, क्योंकि आदर जो है ये उठता है 5 बजे फीड लेने के लिए एंड उसके बाद वो फिर सो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा उसके साथ खेल रही हूँ सुबह सुबह के टाइम में। एंड या हम लोग को स्लीप करते हैं बिकॉज मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी क्रैडल में से उसको उठाने के लिए, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ है एंड उसके बाद इसको को स्लीप करने में ही मज़ा आता है। सो एनीवेज, उसके बाद थोड़ी देर वो फिर सो जाता है एंड देन फाइनली वो उठ जाता है 7:30-8 o'clock तक। सो यहाँ पे मेरी भी हालत आप देख रहे हो गाइस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि मैंने बिफोर प्रेगनेंसी बहुत लिया था बट मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया। बिकॉज आप में से बहुत लोग पूछते हैं दैट हाउ टू ग्रो आर हेयर, हाउ टू ग्रो आर नेल्स। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो कि है ये, दिस इज़ पावर गमीज। नाउ दिस इज़ विटामिंस फॉर योर गॉर्जियस हेयर एंड नेल्स एंड इसके अंदर बायोटिन है, इट्स हेल्थ सप्लीमेंट। तो ये ना 60 गमीज है, तो आपको 2 per day लेना पड़ता है। तो इसके अंदर ना आपकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे विटामिन डी की, विटामिन B12 की, या फिर अगर आप बोलो फॉलिक एसिड की। एंड ये ना जेलेटिन फ्री है, तो इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा। सो इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन B5 है, जिंक है, B6 है, विटामिन ए है जो कि रेटिनॉल है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है। सो यहाँ पे सब कुछ, विटामिन सी भी है बाय द वे। सो ये ना बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो। एंड ये ना दूसरे सप्लीमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन व्हेन यू ओपन दिस यू गेट वेरी क्यूट जार लाइक दिस एंड इसके अंदर ना गमी बेयर से ना, इसको मैं अभी तो नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। बट अगर आप यू नो प्रेगनेंट नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। मैंने ये पहले लिया था एंड मुझे इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे थे। आई मीन अभी तो मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, बट मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी कितने लंबे मेरे बाल थे एंड कितने स्ट्रॉन्ग मेरे नेल्स थे। इस तरीके से आप इसको खोलेंगे एंड यहाँ पे जो है ना, यू गेट गमी बेयर्स लाइक दिस, बहुत ही क्यूट है लाइक दिस, ठीक है। सो यू हैव टू टेक इट नाउ। मैं अभी इनको नहीं ले रही हूँ बट माई हस्बैंड लव्स इट, वो ज़रूर इसको खाते हैं, यू नो 2 per day एंड वाओ, इट जस्ट स्मेल सो गुड, लाइक ऐसा लगता है कि मैं कैंडी खा रही हूँ। बाय तो मैंने इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है एंड माई हस्बैंड लव्स दिस। सो जैसे ही मेरा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस बिकॉज दिस इज रियली गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर नेल्स। एंड इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना, मैं लिंक डाल दूंगी। एंड अगर आपने इसको यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत मेरा रूटीन एंड आथरित का रूटीन। सो थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोशनी आ चुकी है, तो अच्छी सी मॉर्निंग हो गई है एंड इनकी भी मॉर्निंग हो गई है। ही इज़ फीलिंग वेरी फ्रेश। जब रात को बच्चे बहुत अच्छे से सो जाते हैं ना एंड फीड ले लेते हैं ना, उनको बहुत फ्रेश फील होता है सुबह सुबह एंड ये बहुत हैप्पी मूड में है। एंड मैं अभी भी स्लीपी हूँ बिकॉज बहुत नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं ब्रेक में सोती हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। एंड एज़ यूजुअल आजकल इसको मोबाइल स्क्रीन में देखने में बड़ा मज़ा आने लगा है। ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ बट कभी कभी वीडियोस के लिए ये देखने लग जाता है मोबाइल स्क्रीन पे। सो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी टाइम पास कर रही हूँ एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद वो फिर सो जाता है। तो अभी वो फिर से सो गया है, तो ऐसे वो भी ब्रेक में उठता है एंड ब्रेक में सोता है। तो यहाँ पे एक्चुअली उसकी ऑयल मालिश जो है ना वो हो गई थी, इसी वजह से वो सो गया था फिर से। एंड मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। एंड आज ब्रेकफास्ट में बने थे पोहे, मेरी जो कुक आती है वो ही बना के जाती है। एंड आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठते, क्योंकि आज वो बहुत जल्दी उठ गया था, इसी वजह से मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। एंड मैं भी थोड़ा बहुत उसके साथ सो जाती हूँ जब भी वो सोता है। सो यहाँ पर मैं इंजॉय करूँगी पोहा जब तक वो सो रहा है, क्योंकि एक बार वो उठ जाएगा ना तो फिर से मुझे उसको नहलाना होगा एंड देन पूरा रूम मैं ठीक करूँगी। तो ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जब तक वो सोया है मैं आराम से पोहा खा लेती हूँ
एंड पूरा रूम जो है ना वो बिखरा रहता है आजकल. आजकल पहले जैसा तो नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मैं पहले चीज़ों को समेट के रखती थी, अब भी वैसे रखूँ, ज़्यादा चीज़ें बिखरे ना. तो जब बेबी सो जाता है मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कुकिंग वगैरह का काम तो होता नहीं है, वो मेरी कुक आती हैं और मेरी मदर इन लॉ होती हैं तो वो देख लेते हैं दोनों. एंड बिकॉज यू नो आराम करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज यू नो आपकी बॉडी फिर वर्क नहीं करेगी. एंड बेबी का सारा काम मोस्टली मैं ही करती हूँ, सो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है. अभी देखो पीछे, अब मैं इस बिस्तर को साफ़ करूँगी. अभी एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, इट्स 12:30 एंड आज उसकी मालिश भी नहीं हुई थी. सो अभी मम्मी जो है उनकी मालिश कर रही है, उसके बाद मैं उसको आज स्पॉन्ज करूँगी, क्योंकि कल वैक्सीन ली थी उसने तो ही इज़ नॉट फीलिंग दैट वेल, एंड इसलिए मैं आज स्पॉन्ज कर दूँगी जल्दी से. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक फर्स्ट क्राई हॉल जो कि मैंने विंटर वियर लिया हुआ है, जिससे मैं सोच रही थी अलग से बनाऊँ, बट देन आई थॉट वाई नॉट इंक्लूड दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो आई होप आपको अच्छा लगेगा. फर्स्ट क्राई से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी जो कि काफ़ी सही लगी. एंड वेदर जो है थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मतलब सर्दी भी हो रही है गर्मी भी हो रही है, यू कैन सी मी स्वेटिंग थोड़ा बहुत क्योंकि पंखा ऑफ किया हुआ है. तो सबसे पहले मैं बेड को थोड़ा साफ कर लूँगी, या मैं भी नहीं नहाई वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, साफ करूँगी एंड देन आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज स्पॉन्ज बाथ. और लेट गाइस, तो यहाँ पे मैं अपना बेड थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ. ये सुबह से ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जब तक मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आती हूँ. उसको नहलाने के लिए भी मुझे चीज़ें समेटनी होती हैं और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है. एंड कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी, दैट पोस्ट पार्टम मुझे कैसा फील हो रहा है. अभी मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट क्या 5 months हो चुके हैं, 5 months प्लस हो गए हैं. सो कुछ चेंजेस जो मेरी बॉडी में मुझे दिख रहे हैं वो है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, जिसकी वजह से मैंने अपने हेयर कट कर लिए थे, करवा लिए थे, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ हेयर फॉल एंड काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे. आई थिंक 2 महीने हो गए हैं हेयर फॉल हुए जा रहा है. एंड देन आई ऑल्सो फील अ लिटिल बिट पेन इन माई लेग्स, मुझे कमर में भी पेन होता है थोड़ा बहुत. एंड बहुत सारा काम तो मैं करती नहीं हूँ बट स्टिल. तो यहाँ पे मैं आपको आउटफिट्स दिखा रही हूँ कि आज मैं क्या पहनाने वाली हूँ उसको. एंड एक्चुअली ये भी हो गया है कि ऑब्वियसली वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, स्पेशली फ्रॉम टमी पार्ट. सो बहुत ही जल्दी विद डॉक्टर सुपरविजन एंड क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी. बट येस, माई बॉडी हैज़ चेंज्ड, सो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेगनेंसी. सो आई एम गोइंग टू सून लूज द प्रेगनेंसी वेट. एंड यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें से निकाल के रख लेती हूँ, हिज लोशन, हिज क्रीम. पाउडर मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, बट बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्रेश फील देने के लिए थोड़ा बहुत मैं लगा देती हूँ. एंड उसके बाद जो पुराने जो कल के कपड़े थे ना जो सूख जाते हैं, वो फिर मैं ला के अच्छे से उनको फोल्ड करके रख रही हूँ. और अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप पहले ही चीज़ें निकाल लोगे, कपड़े जो पहनाने हैं, एंड अच्छे से सब अरेंज कर लोगे, तो नहाने के या स्पॉन्ज बाथ के तुरंत बाद आप बच्चे को रेडी कर सकते हो. इससे आपका टाइम भी सेव होता है एंड मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है. तो अभी भी ना इसके कपड़े हम लोग हाथ से ही धोते हैं, मशीन में भी नहीं धोना हमने शुरू किए, मे बी सर्दियों में स्टार्ट कर देंगे. एंड जो मैं डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ चीकू का है, चीकू का लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़, तो काफ़ी अच्छा है वो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बट अब मैं नया कुछ ट्राई करने वाली हूँ, वो है हिमालया का, क्योंकि चीकू का ना 1 लीटर का नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है उससे. तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी ले लिया है एंड उसके बाद गुनगुना पानी लेने के बाद मैं एक स्वाडल क्लोथ जो हम एक दिन पहले यूज़ कर रहे हैं उसको धोना ही है, तो मैं इससे उसको स्पॉन्ज करूँगी. आप चाहे तो टावल से भी कर सकते हो, बट मैं ये इस स्वाडल क्लोथ से करूँगी. उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी ड्राई शीट बिछा लूँगी. एंड एक ये कपड़ा है, बंगाली में इसको हम लोग काथा बोलते हैं, तो उसके ऊपर बच्चे को लिटा देंगे. तो ये मोस्टली जो है कॉटन के कपड़ों से ही बनता है. एंड अब मैं आदरित को ले आई हूँ, उसकी मालिश हो गई है एंड आई थिंक पहली बार ऑन कैमरा मैं उसका स्पॉन्ज शेयर कर रही हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा देख के. तो पहले मैं थोड़ा सा उसके साथ खेल लेती हूँ
एंड थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। उससे बात करते करते उसको नहलाती हूँ एंड उसको ना अपना अलमीरा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मैं वो अपना अलमीरा देखता रहता है। मैं यहाँ पे उसके कपड़े उतार देती हूँ एंड इसको हम डाइपर फ्री टाइम देते हैं सुबह काफ़ी देर तक, जब से उसकी मालिश हो जाती है और जब तक वो नहाता नहीं है तब तक वी गिव डाइपर फ्री टाइम। तो अभी इस कपड़े से मैं बहुत ही जेंटली करना है, यहाँ तो फास्ट फॉरवर्ड हो रखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट बहुत ही जेंटली आप पानी से उसके जो बॉडी है उसको स्पॉन्ज कर दो, बिल्कुल नहाने जैसा ही हो जाता है एंड बच्चा बहुत फ्रेश फील करता है उससे। सो या तो गाइज़ यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स उसको लगा दूँगी, जैसे लोशन हो गया, क्रीम हो गया एंड मैं अभी हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। हिमालय के प्रोडक्ट्स ना इसको बहुत अच्छे से सूट कर जाते हैं इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बट हाँ, अभी विंटर्स आ रही हैं तो मैंने सेबामेट का लिया है बिकॉज़ मुझे उसके लिए एक अलग से फेशियल क्रीम लेनी थी क्योंकि बस अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं ना उसको पूरे बॉडी में लगा दूँगी एंड काफ़ी अच्छे से सूट हो गया ये ना सारे प्रोडक्ट्स। एंड जो ये पाउडर है ना, मैं बस जहाँ जहाँ फोल्ड्स आते हैं ना जो थाईज़ के पास, आर्मपिट्स पे, तो वहाँ वहाँ बस लगा देती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाउडर मैं नहीं लगाती हूँ। एंड उसके बाद मैं बात करते करते उसको कपड़े पहना दूँगी, उसको बड़ा मज़ा आता है जब मैं उससे बातें कर करके कपड़े पहनाती हूँ। एंड यू नो बच्चों का यही होता है, जब आप उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो उनको बहुत मज़ा आएगा। एंड इसी तरीके से आप बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको कपड़े पहनाना, यू नो ऑयल लगाना, नहलाना, तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ये सब करने में। एंड अभी मैं बिल्कुल लगातार बकर 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 करती रहूँगी, मेरी हालत ऐसी हो जाती है, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं क्योंकि पंखा ऑफ रहता है ना। एंड काफ़ी अच्छे से ना वो कपड़े पहनवा लेता है मुझसे, तो इस तरीके से मैं उसको अच्छे से पहना देती हूँ। एंड अभी क्योंकि वो फाइव मंथ्स प्लस हो गया है, तो अभी वो चीज़ों को ग्रैब करना, यू नो ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारना, रोना, रोते रोते एक दिन उसने माँ भी बोल दिया था, एंड ये सारी एक्टिविटीज़ वो करता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो। एंड बस मुझे देखता रहता है ऐसे घूर घूर के, सो ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ही मैं हूँ, तो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। नींद नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता है, वो सब एक तरफ, अनजगी वाली फीलिंग है ना वो सब एक तरफ। सो ये सारी जो मदर्स हैं मुझसे रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेशली जो अभी वाला फेज़ है ना बच्चों का, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लूज़ इट। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ एंड इस टाइम पे ही ना मैं उसको सारे उसकी मेडिसिन खिला देती हूँ, जैसे कि विटामिन D3 हो गया या फिर ना नेज़ल ड्रॉप्स हो गए अगर उसका कंजेशन है तो। एंड उसे बाल भी कोम कर देती हूँ, ऑल्दो उसके बाल बहुत ही कम है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कोम कर देती हूँ। एंड थोड़ा सा टीका लगा दिया एंड उसके ऊपर थोड़ा पाउडर लगा दिया सो दैट वो टीका जो है ना वो फैले ना। एंड और क्या, अभी हमारे हीरो जो हैं वो रेडी हो गए हैं। कभी कभी मैं सॉक्स भी पहना देती हूँ बट आज थोड़ी सी कम सर्दी थी तो मैंने सॉक्स नहीं पहनाया। एंड यहाँ पे नाउ ही इज़ रेडी एंड काफ़ी अच्छे से वो रेडी होता है, उसको बड़ा मज़ा आता है यू नो रेडी होने में, यू कैन सी नाउ, तो ये बहुत मस्ती करता रहता है। एंड अब मैं बाकी के जो काम हैं वो सब करना शुरू कर दूँगी। तो सारे काम करने के बाद ना आज नाश्ते में, शाम के नाश्ते में साबूदाना बना था और खाने में जो है मैं नॉर्मल खाना ही खा रही हूँ, देख सकते हैं अब दाल चावल और थोड़े से क्या बने थे उस दिन मैं भूल गई हूँ, वॉइस ओवर में बहुत दिनों बात कर रही हूँ। सो दाल चावल के साथ कोई सब्ज़ी थी तो वही सब मैंने खाया, वही सब मैं खा लूँगी एंड थोड़ा सा मैं मोबाइल देखते देखते खाती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, क्योंकि ना अच्छा लगता है इस तरीके से मोबाइल में कुछ कुछ देखते हैं। एंड खाने से पहले ना मैंने मिल्क पंप करके रख लिया था सो दैट जैसे ही अगर वो उठता है, उसको भूख लगती है तो यू नो उसको जो है मिल्क पहले ही मिल जाए। एंड आई थिंक छोले बने थे, आई थिंक सो, हाँ, तो मैं अभी बस वही खा लूँगी। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है ना तो प्लीज़ दाल खाओ, आप चावल भी खा सकते हो,
कई लोग सोचते हैं चावल से ना बच्चों को सर्दी हो जाती है, पता नहीं, ये मुझे तो ये मिथ लगता है। एंड खूब अच्छे से खाओ, ये बिल्कुल भी अपने अभी वेट का मत सोचो, थोड़े टाइम बाद सोच लेना जब बच्चा थोड़ा सॉलिड खाने लगेगा। बट अभी आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो ना, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर डाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ना आपको फिर थोड़ी सी वीकनेस फील होगी। तो यहाँ पे मैं अपना लंच इंजॉय कर लूँगी, आई थिंक 3:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गया था आज, बट या हाय गाइस। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दैट आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि आज मैं भी लेट उठी थी बिकॉज आज तक सो रहा था एंड देन मैं भी काफ़ी लेट हो गई थी। एंड उसके बाद मैं पंप करने लग गई थी, 3:30 बज गए, भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैंने बहुत लेट किया था। तो मैं थोड़ा सा गार्डनिंग में खड़ी हूँ, एक्चुअली आज करवा चौथ है, बट हम लोगों में करवा चौथ नहीं होता है, तो ना मेरे ससुराल साइड होता है ना बंगालीज में, तो वैसे भी नहीं होता है, तो यही बात है। एंड आथरित इज स्लीपिंग विद हिज ग्रैंड मदर, बस यही चीज़ है। एंड हो सकता है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। बाय द वे मैंने ना एक वीडियो शूट की थी हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग बहुत मदर्स जो होती हैं वो सफ़र करती हैं इसी चीज़ से। सो आई थॉट वाई नॉट यू नो शेयर माई एक्सपीरियंस। शूट तो मैं बहुत कुछ करके रख लेती हूँ बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी अभी मैंने इतना मिल्क पम्प किया है। तो मैं बताती हूँ। बाय द वे गाइस मैं फार्मूला भी देती हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट हिम टू डेवलप अ टेस्ट फॉर फार्मूला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी काम में बिजी हो, आई नो मैनी ऑफ यू विल टेल मी दैट यू शुड डू एक्सक्लूसिव फीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट समटाइम्स वॉट हैपन्स इज कि बच्चा बहुत टायर्ड होता है, मदर बहुत टायर्ड हो जाती है। तो वंस इन अ डे ही इज़ 4 मंथ प्लस, लाइक उसका 5 मंथ लग चुका है, तो नाउ ही कैन डाइजेस्ट ईजिली, क्योंकि 2 महीनों में उसका सॉलिड भी शुरू करना है। सो मैं बैठ जाती हूँ, सो मैंने इसी वजह से उसका स्टार्ट कर दिया है सो दैट फॉर्मूला भी डाइजेस्ट कर पाए। एंड आज क्या हुआ था, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे दिया था, शायद मेरी ही गलती है, नहीं देना चाहिए था मुझे, तो उसने सारा वॉमिट कर दिया था जितना एक्स्ट्रा था ना, तो पूरी बेडशीट चेंज करनी पड़ी, पूरे कपड़े चेंज करने पड़े, एंड स्मेल सी आ रही थी। यही दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। तो अगर आप फार्मूला देना चाहते हैं तो प्लीज़ क्वांटिटी थोड़ा कम में दीजिए, जैसे वो है मैक्सिमम 120 ml वो पी लेता है, उससे ज़्यादा जैसे मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था, सारा वॉमिट कर दिया। सो दैट्स द थिंग, क्योंकि फार्मूला डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क अगर थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो बच्चे उसको ईजिली डाइजेस्ट कर जाते हैं। एंड मैंने पंप इसीलिए किया क्योंकि समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं क्वांटिटी देखूँ तो मुझे सही लगता है कि हाँ चलो इतना क्वांटिटी है तो यू नो बच्चे को पिला दो बहुत अच्छे से, उसका पेट भर जाता है। क्योंकि अगर आप जब नॉर्मल फीड कराते हो वैसे ही डायरेक्ट ब्रेस्ट से, तो उसमें पता नहीं लगता कि बच्चे ने कितना पिया है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने वो निकाला। एंड यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है हो गया होगा कुछ। सो गाइज आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू रेस्ट अ बिट, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि शाम को मैं क्या करती हूँ। थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो रहा है, मैं देखूंगी, अगर ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं जो इवनिंग वाला रूटीन है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो या एंड प्रॉबेबली मैं फर्स्ट क्राई का जो हॉल है वो मैं अलग से शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। दिस वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग, आई जस्ट शो यू। ऑल राइट गाइस, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, एंड जो इवनिंग रूटीन है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको इसमें दिखाए हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। और जो पावर गमीज का भी लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना एंड अपने लिए ले लेना। तब तक के लिए आई विल से गुड बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू गाइस सून। लोड्स ऑफ लव।